गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस नेताओं पर फिर हमला बोला और कहा कांग्रेसी भारत के स्वाभिमान से जुड़ी हर चीज पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। अनलॉक पर उन्होंने कहा सावधानी में ही बुद्धिमानी है, सजग रहिए, सतर्क रहिए, मार्केट अनलॉक का इंतजार हम सबके साथ साथ कोरोना भी कर रहा है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कुछ परकटे लोग परवास की कोशिशें करते नजर आ रहे हैं, ये वे ही हैं जिन्होंने वंदे मातरम और भारत माता से परहेज किया है। कमलनाथ ने भारत को बदनाम कहा, आज राहुल गांधी भारत माता के सीने में खंजर कह रहे हैं। भारत के स्वाभिमान से जुड़ी हर चीज पर ये प्रश्न चिन्ह लगाते रहे हैं। माता की याद ही जब आती है जब सीने में या पीठ में खंजर भोंकना हो, वैसे इन्हें वंदे मातरम और भारत माता से परहेज। अभी कमलनाथ जी ने भारत बदनाम कहा, अब ये भारत माता के सीने में खंजर कह रहे हैं। ये वही है राहुल गांधी जी जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जेएनयू में सबसे पहले मिलने गए थे उससे। ये आप अगर पूरे सीनियर को और इनके बयानों को देखेंगे तो आपको टूल किट नजर आएगी इसमें। आप बिल्कुल सेना की शौर्यता पर सवाल उठाना, वैक्सीन पर सवाल उठाना, भारत के स्वाभिमान और सम्मान से होने वाली हर चीज पर सवाल उठाना। किसी शायर की एक शायरी याद आती है मुझे कि होने लगी है जिस्म में जुम्बिश तो देखिए, कुछ पर कटे परिंदों की कोशिश तो देखिए, गूंगे निकल पड़े हैं जुबा की तलाश में, सरकार के खिलाफ ये साजिश तो देखिए, उनकी कोशिश ये है कि देश मदद करे, खंजर की पसलियों से गुजारिश तो देखिए। कोरोना को लेकर मिश्रा ने कहा सावधानी में ही बुद्धिमानी है, सजग रहिए, सतर्क रहिए, मार्केट अनलॉक का इंतजार हम सबके साथ साथ कोरोना को भी है। आजादी सबको अच्छी लगती है लेकिन यदि पिंजरे का दरवाजा बिल्ली खोले तो पिंजरे में बंद रहना ही अच्छा है। सने सने अनलॉक पूरा हो जाए लेकिन जैसा मैंने कल कहा था, बाजार खुलने का इंतजार आप सब कर रहे हैं, बाजार खुलने का इंतजार कोरोना भी कर रहा है। इसलिए सावधानी में ही बुद्धिमानी है, असली परीक्षा अब है। इसलिए मैंने कहा था कि रोको टोको अभियान हम चलाएं और पूरी की पूरी सावधानी से रहें। एक कहावत है कि आजादी सबको अच्छी लगती है लेकिन पिंजरे का दरवाजा अगर बिल्ली खोले तो पिंजरे में रहने में ही भलाई है। आवश्यक न हो तो घर पर ही रहें, अत्यावश्यक होने पर ही घर से निकले, ऐसी मेरी प्रार्थना है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।